विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा था, विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रोगों के लक्षण क्या होते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। कुपोषण से आपको पता है कि यदि भोजन का कोई भी अवयव लंबे समय तक नहीं लिया जाए तो कुपोषित हो जाता है, संबंधित अवयव की कमी हो जाती है शरीर में। और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं खनिज कुपोषण, तो कौन कौन से खनिज, कुछ मुख्य खनिज, उनके स्रोत क्या क्या होते हैं जिनके द्वारा हम उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, और उनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, और इसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो प्रश्न बनता है वो इन कार्यों पे अधिकतर पूछा जाता है कि इस खनिज का क्या कार्य है, और वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। स्रोत फिर भी कॉमन होते हैं जिसमें से अधिकतर आप जानते भी होंगे, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ जो याद करने की है वो है कार्य। आप इसे बार बार देखिएगा और कार्यों को याद करिएगा। विटामिन या खनिज दोनों में से किसी एक पर छोटा प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। आप वीडियो जो नोट्स हैं उनसे बार वीडियो को देखें, जब सामने रखिए और फिर कोरिलेट करते हुए पढ़िए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं आप जल्दी से। सबसे पहले जो खनिज तत्व आपके दे रखा है वो है सोडियम। सोडियम जो होता है आपको पता है, सामान्य नमक हम जो घर में साधारण नमक यूज़ करते हैं उससे हमें सोडियम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मछली, मांस, अंडे और दूध से भी हमें सोडियम जो है वो प्राप्त होता है। सोडियम का हमारे शरीर में क्या कार्य है, क्यों हम सोडियम को ग्रहण करते हैं, नहीं करें तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम जो होता है वो हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यानी मांसपेशीय संकुचन के लिए, तंत्रिका आवेग संचरण के लिए, तंत्रिका जो होती है आपको पता है वो शरीर में जाल के थ्रू में फैली हुई होती है, और आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मस्तिष्क तक, मेरुरज्जु तक, प्राप्त संदेशों को अंगों तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये जो संदेश होते हैं मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक आवेगों के रूप में संचरित होते हैं, और इन आवेग संचरण के लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो विद्युत अपघटन है उसको बैलेंस करने के लिए, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको संतुलित करने के लिए भी सोडियम जो होता है वो आवश्यक होता है। वापस सुनेंगे, पहला खनिज तत्व के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, सोडियम, जो हमें किस किस से प्राप्त होता है, नमक से, साधारण नमक जो अपन घर में खाते हैं, मछली, मांस, अंडे और दूध, इन सबसे हमें सोडियम की प्राप्ति होती है। किस क्या कार्य करता है सोडियम हमारे शरीर में, मांसपेशियों के संकुचन के लिए, आपको पता है अस्थियाँ जो होती हैं उनके चारों तरफ मांसपेशियाँ होती हैं जिनमें संकुचन होता है, और विभिन्न अंग होते हैं जिनमें मांसपेशियों के संकुचन वश बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं, तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए, यानी आवेगों को पहुँचाने के लिए, शरीर में जो विद्युत अपघटन होते हैं उन विद्युत अपघट्य जो होते हैं उन विद्युत अपघट्यों के संतुलन जो है वो उसके लिए भी ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पदार्थ जो होता है वो है पोटेशियम। जितने भी खाद्य पदार्थ आप खाते हैं उनसे आपको पोटेशियम की प्राप्ति होती है, और पोटेशियम का कार्य जो होता है वो सोडियम के समान ही होता है। मतलब ये जो कार्य होते हैं सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर में जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें बैलेंसिंग करना, उन्हें संतुलित बनाए रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट तत्व है कैल्शियम। आप सबको पता है कैल्शियम किस किस से प्राप्त होता है, तो दूध जो पीते हैं, अंडे खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो खाते हैं उनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है, कैल्शियम। और कैल्शियम का काम क्या है, तो आपको पता है कि ये विटामिन डी जो है उसके साथ मिलकर अपनी हड्डियां हैं, दांत हैं, उन सबको मजबूती प्रदान करता है, कौन, कैल्शियम। वापस से याद रखेंगे, कैल्शियम काम क्या है इसका, विटामिन डी के साथ हमारी हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस आपको किस किस से प्राप्त होता है, दूध से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, बाजरा, रागी, सूखे मेवे या व्रत और ड्रग, इन सब से आपको क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है। फास्फोरस जो होता है वो कैल्शियम के साथ मिलकर ही काम करता है, हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, किसके साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर। तो इन दोनों के काम भी लगभग एक जैसे हैं, इन दोनों के काम लगभग एक जैसे हैं, एक याद करा दूसरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है लोह तत्व और आयरन। लोह तत्व जो होता है यकृत, व्रत, अंडे, मांस, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़, इनसे क्या प्राप्त होता है आपको, आयरन प्राप्त होता है। और आपको पता होगा अपना जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त का, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण में सहायक होता है, इसलिए ऊतक ऑक्सीकरण में भी ये उपयोगी होता है। वापस सुनेंगे ध्यान से, लोह तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण जो कि एक श्वसन मंडक होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, इसके अलावा ऊतकों के ऑक्सीकरण के लिए, ऊतकों में जो पदार्थ खाद्य पदार्थ पहुँचता है उसके ऑक्सीकरण में भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है आयोडीन जो आपने दे रखा है। आयोडीन आपको नायोडाइज नमक का देखा होगा आपने, तो आयोडीन आयोडाइज नमक जो होता है उससे प्राप्त होता है, समुद्री भोजन जितने भी होते हैं उनसे प्राप्त होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, लवण जो होता है नमक जिसे कहते हैं जलीय मछली से, इसके अलावा जामुन और काले नमक से भी अपन को आयोडीन जो है वो प्राप्त होता है। आयोडीन किसके लिए उत्तरदायी होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। अपने गले के अंदर ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वो थायराइड ग्रंथि जो होती है सांस लेने के दोनों और अधर तल पर स्थित होती है, जो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिस हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। उस थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी है। अगर वो थायरॉक्सिन हार्मोन निर्मित नहीं होगा आयोडीन की कमी हो जाएगी, इससे रोग भी हो जाता है, गलगंड रोग, गोइटर जो आपने सुना होगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा खनिज तत्व, उनके स्रोत और कार्य, जिसे मैंने आपको बताया कि कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस पर बनता ही बनता है, तो इसे एकदम अच्छे से याद करिए। अब तक हम दो कुपोषण के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर 1 विटामिन कुपोषण और नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं खनिज कुपोषण। थर्ड कुपोषण जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, अगर आप भोजन के प्रोटीन जो अवयव होता है उसे लंबे समय तक नहीं लेते हैं तो प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। ज़्यादातर ये कुपोषण जो होता है वो छोटे बच्चों को देखने को मिलता है, जो माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है लंबे समय से, तो उनमें भी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। प्रोटीन कुपोषण के अंतर्गत दो रोग आपके अंतर्गत दे रखे हैं, एक तो होता है क्वाशिओर और एक होता है मेरास्मस। नंबर 1 क्वाशिओर, क्वाशिओर जो होता है वो ज्यादातर 1 से 3 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। जो बच्चे डेली 1 ग्राम से भी कम 1 किलोभार वजन के अंतर्गत अगर प्रोटीन को ग्रहण नहीं करते हैं तो उन्हें क्वाशिओर नामक रोग जो है वो हो जाता है। क्या होता है इस रोग के कारण? कि जो वजन होता है वो कम होता जाता है, वजन कम हो जाता है, बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, पेट जो होता है वो फूल जाता है, शरीर पर सूजन आती है, त्वचा पर काली काली पपड़ी सी पड़ जाती है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, सफेद हो जाते हैं, ये लक्षण होते हैं क्वाशिओर रोग के। मैंने आपको बताया ये 1 से 3 वर्ष के बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें वजन बहुत कम हो जाता है, बच्चा काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, पेट फूल जाता है, शरीर जो है उस पर सूजन आ जाती है पूरी, त्वचा जो होती है उसमें काली काली सी पपड़ियां बन जाती है, बाल बहुत झड़ते हैं और सफेद हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे लक्षण होते हैं क्वाशिओर रोग के। नेक्स्ट होता है मेरास्मस।
कमी हो जाए, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो, और ऊर्जा आपको पता है किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। तो मैरास्मस रोग हो जाता है, प्रोटीन के साथ साथ यदि ऊर्जा की भी कमी हो जाए और ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से प्राप्त होती है, तो ये रोग कहलाता है मैरास्मस रोग। ये एक वर्ष से कम के बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें बालक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है। इसमें भी वज़न कम होता है, लेकिन इसमें वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है। आंखें एकदम धस जाती हैं, चेहरा एकदम पतला और काला पड़ जाता है, चेहरे की जो लालिमा होती है, चमक होती है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, शरीर एकदम कंकाल का जैसा दिखाई देता है, पसलियां जो होती है वो एकदम अच्छे से दिखाई देती है, शरीर एकदम कंकाल जैसा दिखाई देता है, यानी अत्यधिक कमजोरी जो होती है वो बालक के अंदर देखने को मिलती है। दोनों ही रोगों के अंदर यदि समय से प्रोटीन वापस दे दिया जाए तो रोगों का जो है वो निदान संभव हो सकता है। तो हमने पढ़ा प्रोटीन कुपोषण, जिसमें दो रोग मैंने आपको बताए, क्वाशिकी और मैरास्मस रोग। इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, क्वाशिकी और मैरास्मस के लक्षण आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। क्वाशिकी और में वजन कम हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है बालक, पेट जो है वो फूल जाता है, त्वचा काली पड़ जाती है, कली कली पपड़ियाँ जम जाती है त्वचा पर, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। जबकि मैरास्मस जो होता है वो प्रोटीन के साथ साथ यदि ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो होता है। एक वर्ष से कम वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है, वजन अत्यधिक कम हो जाता है, आंखें बिल्कुल धस जाती हैं, चेहरा बिल्कुल पतला पड़ जाता है, पपड़ियाँ जम जाती है, काला काला सा हो जाता है, लालिमा एकदम समाप्त हो जाती है और शरीर एकदम कंकाल जैसा बच्चे का दिखाई देता है, मांसपेशियाँ बहुत पतली पतली जाती हैं, टांगे और हाथ जो होते हैं वो बहुत पतले पतले हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो मैरास्मस रोग के होते हैं। दोनों ही लक्षण प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में दिया जाए तो दोनों ही रोगों का निदान संभव हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने दो कुपोषण पढ़ लिए, प्रोटीन और खनिज कुपोषण। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो।